खबर राजधानी देहरादून से है, जहां जिला अधिकारी ने वर्तमान में डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया आदि रोगों के उत्पन्न होने की आशंका के मद्देनजर रोकथाम और मॉनिटरिंग के लिए QRT यानी क्विक रिस्पांस टीम का गठन किया। साथ ही जिला अधिकारी ने निर्देश दिए कि अगर घर, ऑफिस, मॉल और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में डेंगू फैलने वाला लार्वा मिला तो संचालकों पर जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। पहली बार में 500 रुपये और उसके बाद 50,000 रुपये तक का जुर्माना वसूला जाएगा। वहीं जिला अधिकारी द्वारा गठित क्विक रिस्पांस टीम में नोडल अधिकारी, संबंधित वार्ड के सैनिटरी निरीक्षक सदस्य, संबंधित वार्ड और थाना से नामित हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल, होमगार्ड, PRD जवान, संबंधित वार्ड सैनिटरी सुपरवाइजर, संबंधित वार्ड में कार्यरत आशा कार्यकर्ता, संबंधित वार्ड में कार्यरत सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होंगे। MK News की टेक्स्ट रिपोर्ट।